दर्द होता है तो आता है ना गुस्सा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं निकला हूँ ऑफिस के लिए। मंडे का दिन है एंड बहुत ही अच्छा सा दिन है क्योंकि इट्स ओनली 1 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत कंफर्टेबल सा लग रहा है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। कुछ ऐसा प्लान तो है नहीं कुछ स्पेशल करने का, सो विल जस्ट गो विद द फ्लो। देखिए कितनी बर्फ जमी हुई है फुटपाथ पे एंड इतना स्लिपरी है ना ये, तो बहुत संभल के चलना पड़ रहा है गाइस। तो अभी मैं लंच ख़त्म करके आया हूँ एंड बहुत ज़्यादा स्नो गिर रहा है एंड मुझे भागना है ऑफिस की तरफ क्योंकि मेरा मीटिंग ऑलरेडी चालू हो चुका है, बट मैं भाग नहीं सकता क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो बहुत ही अजीब से प्रॉब्लम में फंसा हूँ फिलहाल। फाइनली पहुँच चुका हूँ ऑफिस एंड जाता हूँ मैं अपनी मीटिंग में। बज रहे हैं शाम के 7 बजे और मैं अभी निकला हूँ ऑफिस से। थोड़ा टाइम लग गया ऑफिस में, बहुत ज़्यादा काम था, मंडे भी है, बट मज़ा आता है। कभी ऐसा नहीं लगता कि यार क्यों बैठे हैं क्या कर रहे हैं, कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती, हमेशा मज़ा आता है। सो इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल ग्रेट। एंड टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है तो स्नो हर जगह मेल्ट हो रहा है एंड वो मेल्ट पूरी तरीके से होता नहीं है तो एकदम कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है फिर पूरा एंड अजीब अजीब सा हो जाता है। इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो स्नो की ये एक गंदी बात है, अगर स्नो गिर रही है एंड अगर वो पूरी की पूरी वाइट रहती है थ्रू आउट द सीज़न इट्स गुड, बट गिरने के बाद जब पिघलने लग जाती है ना वो बहुत ही गंदा चिपचिपा और कीचड़ी सा हो जाता है। देखिए दिखाता हूँ कैसा है सब। देखिए हर जगह ऐसे ही लग रहा है ना जैसे बहुत सारा कीचड़ है। ये जो आपको दिख रहा है ये सारा का सारा बर्फ़ है, जमा हुआ आइस, और इसके ऊपर अभी मुझे स्केट करते हुए जाना पड़ेगा घर। मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल पैकेज है जो कि है ये क्रिसमस केक। ये मेरे एक कॉलीग ने गिफ्ट किया है एंड ये मेरे कॉलीग ने खुद बनाया है। खुद बनाया है। सो अभी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो इसमें काफ़ी कुछ है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उन्होंने बताए थे बट मैं भूल गया क्या क्या है। तो हम डायरेक्टली बस इसको काटते हैं खाते हैं ना, फिर आपको बताते हैं कि कैसा है। इसको धागा दिखा कि नहीं माया को, इसको धागा दे दो यार, धागा दे दो, देख माया। वाह क्या लग रहा है ना, स्मेल भी बहुत सही आ रहा है ना। हाँ क्रिसमस केक में सिनेमन नहीं होगा तो और क्या होगा। ओके इट्स अ ब्रेड, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ केक, इट्स अ क्रिसमस ब्रेड। हमने केक बोला था क्या? उसने तो केक बोला कि ब्रेड बोला? ब्रेड ही बोला उसने। क्या समझू मैं उस एक्सप्रेशन, बहुत मस्त था। हाँ टेस्ट कैसा है उसका? बहुत मस्त। नहीं मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मस्त है या नहीं, डिस्क्राइब कर क्या है टेस्ट। वो जो सिनेमन का फ्लेवर आ रहा है ना, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग एंड इट्स नॉट वेरी माइल्ड, इट्स परफेक्ट। ओके एंड जो थोड़ा सा स्वीटनेस है वो मुझे नहीं पता किससे आ रहा है, बट इट इज वेरी नाइस। लाइक माया राम उसकी कंघी कर रहा है तो उसको कितना अच्छा लग रहा है, उसकी आंखें देखो। आ माया, अरे वाह माया सुन तो, माया इधर देख क्या है बच्ची। राम बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखता है, बहुत ज्यादा। मैं तो सिर्फ उसको पानी और खाना देती हूँ और उससे ज्यादा ध्यान राम रखता है उसका। उसका कान चेक करेगा, उसके पॉज चेक करेगा, रोज 2 बार कंघी करेगा, इसलिए इतनी ब्यूटीफुल लगती है हमारी माया। ये
कि बाल तो मेंटेन करने पड़ेंगे, स्पेशली कोई भी जानवर जिसके इतने लंबे बाल होते हैं ना, अगर तुम मेंटेन नहीं करोगे, एक तो बाल उड़ते रहेंगे हर जगह एंड फर्नीचर वर्नीचर पे चिपक जाएंगे, एंड दूसरा उनका कोट भी ना हेल्दी नहीं रहता है, फिर शाइनी और हेल्दी और फ्लफी। तो आज हमारे घर पे ये पार्सल आया, पता नहीं किसने भेजा है, नाम तो राम का लिखा हुआ है। ऑफिस से आया है मोस्ट प्रोबेबली, ऑफिस से या किसी वेल विशर से। ऑफिस से आया और है क्या वो तो दिखा। हैप्पी हॉलिडे। फाजर का बॉक्स है वो, फाजर का बॉक्स है, चलो खोलो। हैप्पी हॉलिडेज। हाँ रोवियो से आया, देख मैंने बोला ना। थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड डिवोशन टू आवर कॉमन गोल्स। अनप्लग, अनवाइंड एंड सेटल इन फॉर अ रिलैक्सिंग हॉलिडे सीजन। स्टे सेफ, टेक केयर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू नेक्स्ट ईयर। टेरो एंड मिका पजल स्टूडियो। चॉकलेट एंड मिंट मारियन। मैंने ये अभी कल ही खाया था ऑफिस में, ये वाला। क्यों? तूने कभी ट्राई नहीं किया ना? मैं तुझे दिखा। मारियन तेरा नहीं है खाना माया। बेचारी माया का भी क्रिसमस होगा। माया विल आल्सो सेलिब्रेट क्रिसमस विद अस। वील बाय सम नाइस स्टफ फॉर माया। राम तू एक ऑफिस में खाता है तो लेकर क्यों नहीं आता मेरे लिए? अरे तो आ गया ना ऑफिस। तोड़ मत उसको एकदम से, एकदम मिंट है। नॉट माय टाइम। तो वापस टाइम आ गया है मैडम का साइज मेजर करने का। बड़ी तो हो गई है जब से हमने लास्ट टाइम इसको मेजर किया, तो मुझे याद भी नहीं है तब उसका इतना। अरे 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 माया रिलैक्स यार, थोड़ा तो रिलैक्स। अरे ये अभी इससे नहीं होएगा, ये मेजर करने नहीं देगी, इसके सोने तक वेट करना पड़ेगा। क्यों माया? खरगोश की तरह किक करती है। जंगली बिल्ली से कम नहीं है तू। बाय द वे गाइस, आपको पता है ये बिल्ली रशिया से है, रशियन है ये। माया जो है शी इज अ रशियन। यू आर रशियन। हाँ रशिया की है तू, इसलिए इतना एटीट्यूड है तुझमें। उधर देख मेरे ऊपर दर्द होता है तो आता है ना गुस्सा। एटीट्यूड दे दिया उसने। इस भी मैडम सो चुकी है, दिस इज द राइट टाइम कि हम उसको मेजर कर लें। हमको एक ही बार मिलता है मेजर करने के लिए चांस, क्योंकि ऑलरेडी उठ गई 90 सेंटीमीटर से। वैसे तो अभी शांत बैठी है तो मैं वापस मेजर कर रहा हूँ। अरे अरे कितनी अच्छी बच्ची है तू, कितनी अच्छी बच्ची है। ऑलमोस्ट उतना ही होना चाहिए, मतलब 96 है। 96 है, सो यू वर रॉन्ग। तो गाइस ये ऑलमोस्ट 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर लंबी, उसके नोज के टिप से उसके पूंछ के टिप तक। माया 3 फुट की बिल्ली है तू, शर्म आती है तुझे? अभी तो सो रही थी, उठ कैसे गई फट से?